शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी इस दुनिया में होना चाहिए। आज से व्लॉग्स होंगे थोड़े से कम, पॉडकास्ट होंगे वीकली, पर इस चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। दिस इज द सीरीज कॉल्ड फैशन भैया रिटर्न्स। बूम शकलाका। दोस्तों, आप पॉडकास्ट रणवीर वाले पर्सनालिटी को जानते हो, पर क्या आप इस वाले रणवीर को जानते हो? इस रणवीर को हमें दबाना पड़ा, मारना पड़ा पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि तभी किसी को पड़े ही नहीं थी कि कैसे कपड़े पहने, ग्रूमिंग कैसे करें, कॉन्फिडेंट कैसे बने, कॉन्फिडेंट कैसे बने और लड़कियों को कैसे पटाए। धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। इस वीडियो में मैंने सोचा मेरे 10 ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपको मुझे जानने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपने मुझे जाना व्लॉग्स के थ्रू, पर व्लॉग्स आर नॉट माय कप ऑफ टी। पॉइंट नंबर 1, आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर फ्लाइंग बीज, मुंबई का निखिल, सौरभ जोशी व्लॉग्स, पर मैं बनना चाहता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे कॉन्टेंट प्रोनोर, यानी कि आपके पास कॉन्टेंट भी है और आप एंटरप्रेन्योर भी हो। आई लव्ड व्लॉग्स, पर वो कंटेंट क्रिएशन का फेज अब मेरे पीछे जा चुका है, क्योंकि आई लॉस्ट माई पर्सनल लाइफ। 2.5 सालों में ऐसा एक भी वेकेशन नहीं था जहां मैंने शूट नहीं किया, और उसकी वजह से आई फील लाइक आई डिडंट गेट अ ब्रेक फॉर 2.5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू मी, व्लॉगिंग सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी पैशन व्लॉगिंग होती है, जिनकी पैशन ये होती है कि यार जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे ऑडियंस के साथ शेयर करना है। दैट इज़ नॉट माई पैशन। अगर मैंने मेरी खुद की लाइफ शेयर कर दी ना ऑडियंस के साथ, मैं जेल जाऊँगा, मेरे अगेंस्ट कैंसिल कल्चर वाली वाइब्स बढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना डार्क इंसान हूँ। तो इस वीडियो में 10 ऐसी कुछ चीज़ें जिनकी वजह से मैं कैंसिल हो सकता हूँ, पर कैंसिल नहीं होऊंगा, बिकॉज आई वोंट क्रॉस द लाइन, बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर्स नो व्हाट नॉट टू से। पॉइंट नंबर टू, मेंटल हेल्थ। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेंटल हेल्थ इस वाले करियर में ना, सोशल मीडिया वाले करियर में बहुत अप एंड डाउन गेम होती है। समटाइम्स यू आर परफेक्टली फाइन, समटाइम्स यू आर फीलिंग लाइक शिट। और मान लो व्हाइल यू आर फीलिंग लाइक शिट, अगर लोगों ने आप पर टारगेट किया, जैसे कि लोग ना, पता है, मेरे कुछ कंटेंट उठाकर बड़े बड़े कंटेंट पीसेस बना देते हैं। जैसे आई नो हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट है, दैट इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड लड़की पटाने के तरीके, लड़कियों को कैसे पटाएं। वो हमने ऐसे क्यों टाइटल किया, ताकि आप लोग उन थंबनेल्स पर क्लिक करें। इट इज जस्ट अ ल्योर इन, बट वंस यू आर इनसाइड, हम आपको वहां कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस हैं, पर बहुत सारे लोग सिर्फ वो थंबनेल्स उठाकर टारगेट करते हैं और कहते हैं कि यार ये देखो ऐसी चीजें सिखाता है। हम नहीं है यार, हम पार्टनर के सलमान खान है या हिच के विल स्मिथ है, पर वो विल स्मिथ नहीं जो अपने भाइयों को मारते हैं, वो विल स्मिथ जो अपने हाथ को चूम कर अपने भाइयों के चेहरे पर लगा देते हैं, लिप्स पर नहीं, सिर्फ गालों पर। अगर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स 101 वाला वीडियो बनाया तो क्या आप क्लिक करोगे? नहीं ना। पर अगर मैंने लड़की कैसे पटाते हैं वीडियो बनाया तो आप क्लिक करोगे ना? YouTube इज अ थंबनेल ओरिएंटेड गेम दोस्तों, और मैं हूं व्यूज के लिए प्यासा। इसलिए हेटर भाई लोग, प्लीज डोंट बी सिलेक्टिव इन योर हेट। अगर मुझे हेट करना है ना, सारे वीडियोस क्यूम्युलेटिवली दिखा के हेट कर दो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा स्पिरिचुअल इसोटेरिक बातें करता हूँ, तो उसके साथ साथ हमारे न्यूरोसाइंस और जियोपॉलिटिक्स के पॉडकास्ट भी दिखाओ। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं हमेशा लड़की पटाने को कहता हूँ, तो उसके साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी और मेंटल हेल्थ वाले एपिसोड भी हाईलाइट कीजिए। हेट करना है तो 360 डिग्री से हेट कीजिए, ना कि सिर्फ यहाँ। सीक्रेट नंबर 3, ये सच है, मैं WhatsApp नहीं यूज़ करता, क्योंकि एज आई एम गेटिंग ओल्डर, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मुक्के खाए हैं, डबल क्रॉसिंग हुई है मेरे साथ मीडिया लाइफ में। मीडिया इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूमन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, अगर आपने सफलता देख ली तो लोग आपको नीचे खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि हर इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, मेरे अकॉर्डिंग मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा ऐसे होती है, बिकॉज बहुत आर्टसी इमोशनल इंडस्ट्री है। खैर, फॉरगिवनेस इज़ एवरीवेयर, पर उसके साथ साथ मेरा खुद का सर्कल उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ छोटा 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 होते जा रहा है। मैंने लाइफ में ये सीखा कि आपके असली दोस्त सिर्फ आपके पहले वाले दोस्त होते हैं, और जो आपके टीममेट्स होते हैं वो आपके असली दोस्त होते हैं। बट ओवरऑल इस इंडस्ट्री में दोस्ती बहुत कम होती है, बहुत रेयरली आपको दोस्ती करने का मौका मिलेगा। पीपल आर ओनली विथ यू फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे अभिजीत चावड़ा सर कहते हैं, In geopolitics, there are no friendships and no enmities. It's only about conveniences. If it is convenient for you, you will be a friend. If it is not convenient for you, well, I'm no one to say.
नहीं चावड़ा सर नहीं प्लीज प्लीज आई एम किडिंग कम बैक ऑन द चैनल आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर व्यूज सर. फॉर एग्जांपल मैंने ये समझाया कि विद एज एवरीवन हैज सोशल नीड. आपकी एक सोशल नीड होती है कि यार मुझे भी दोस्त बनाने हैं, मुझे नए लोगों से मिलना है. नए लोगों से मैं पॉडकास्ट के थ्रू मिल रहा हूँ और पॉडकास्ट के 300 प्लस गेस्ट में से कुछ सच में रियल फ्रेंड्स बन चुके हैं. अभिजीत चावड़ा, डॉक्टर सिड वॉरियर, या दीज टू पीपल. डज दैट मीन कि मैं बाकी के लोगों को हेट करता हूँ? नॉट एट ऑल. इट्स जस्ट दैट इन दोनों लोगों के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है. वी कुड फॉर्म अ वेरी नाइस लव स्टोरी. इन फैक्ट आई थिंक दे वुड लव ईच अदर एज वेल. वी वुड बी अ सुपर थ्रीसम लाइक त्रिदेव, लाइक ब्रोकबैक माउंटेन बट थ्री वेज बट नो होमो ब्रो. लाइक स्लाइटली इरोटिक दिल चाहता है. पर ये इरोटिसिज्म का बीज है इंटेलेक्चुअलिज्म. इस एज पर मुझे मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोगों से मिलना है, ज्यादा स्मार्ट लोगों से दोस्ती करनी है, क्योंकि ज्यादा स्मार्टनेस में ही मिलेगी आपको खुशी बेबी. चौथा पॉइंट, मैंने ये सीखा है कि मोस्ट ऑफ माई कॉन्टेंट जर्नी, मेरे कॉन्टेंट जर्नी के पहले 5 सालों में मैंने बहुत ज्यादा गिरी की थी एक डिपार्टमेंट में, और उस डिपार्टमेंट का नाम था प्रीचीनेस. प्रीचीनेस मतलब इस टोन से बातें करना कि सिर्फ आप सब चीजों को जानते हो और जो आप कह रहे हो, जो आप सोचते हो वही सही होता है. वैसे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स प्रीची होते हैं, बट आई फील प्रीचीनेस का जमाना अब जा चुका है. आजकल के लोग प्रीचीनेस को अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऑनलाइन गुरुज टू मेंटेन रेलेवेंस, क्योंकि हर किसी को अपनी स्टाइल बदलनी पड़ेगी. मैंने भी ये सीखा द हार्ड वे. क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट करने के बाद, 300 लोगों से बात करने के बाद मुझे दो चीजों के बारे में पता चला है. खुद को इतना सीरियसली मत लीजिए, खुद के ओपिनियंस को इतना सीरियसली मत लीजिए, और दूसरी चीज, सफलता की मीनिंग हर इंसान के लिए अलग होती है, खुशी की मीनिंग भी हर इंसान के लिए अलग होती है. अगर आप ये मानते हो कि सफलता मतलब पैसे, सफलता मतलब मेहनत करना, कि सफलता मतलब इलॉन मस्क बनना, तो फिर सबसे बड़े आप हो. जैसे कि मैं था, पर मैं होपफुली अब नहीं हूं, बिकॉज आई हैव लेट गो ऑफ प्रीचीनेस दोनों कंटेंट में और लाइफ में. अगर आज मैं किसी बच्चे से अब मिलता हूं जहां मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत बक्कर है, बहुत बच्चा है, द ओल्ड रणवीर वुड हैव सेड तू पैसे कमा मेहनत कर, द न्यू रणवीर सेज ठीक है कुछ नहीं चला, चिल, लाइफ इज ओके. बट इफ आई वर इन योर प्लेस मैं मेहनत करता. टोनैलिटी डिफरेंस समझ रहे हो कि मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. प्रीचीनेस का जमाना अब जा चुका है. आजकल मुझे भूत, पिशाच, चुड़ैल, काला जादू, तंत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें असली होती हैं. And that is our new content switch. अब से हम mostly horror creator बन चुके हैं. Okay, next point. Of course, यार Q&A video है, personal opinions वाला video है, तो शादी, लड़कियाँ, ऐसी बातें तो होंगे ही. मेरा क्या zone है आजकल? मैं relationships के पीछे नहीं भाग रहा. I have given up. खत्म. मैं genuinely उन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं आजकल. मेरी एक ही mentality है कि जब एक रिलेशनशिप को मेरी लाइफ में एंटर होना है वो खुद से एंटर हो जाएगी. क्योंकि मेरे एक दोस्त है थडेयस करोमा, जर्मन बियर वाइसर से बेसिकली उनसे मुलाकात हुई थी नैस समिट में. ही इज बिकम वन ऑफ माई क्लोजेस्ट पीपल, क्योंकि जो चीजें उन्होंने मुझसे कही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मेरी लाइफ में उसकी वजह से. आई वॉज टॉकिंग टू हिम अबाउट शाहद, जिसके बारे में हमने एक ब्लॉग भी बनाया था, और मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शाहद यूरोप जा रही है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, एंड देयर वॉज पोटेंशियल इन दैट इक्वेशन. तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाइफ इज ऑल अबाउट द अनएक्सपेक्टेड. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाहद जैसी खूबसूरत परी आपके लाइफ में आ जाएगी ना, उसी तरह यू कैन नेवर एक्सपेक्ट वेयर लव एंटर्स योर लाइफ फ्रॉम. और एक और चीज, बहुत सारे साउथ कोरियन से मुलाकात हुई है, और मैंने साउथ कोरियन के बारे में यह सीखा है कि वो 35 ईयर्स की उम्र में शादी करते हैं, 0 to 34 तक पैसे कमाते हैं. तो अब मैं बस पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, सफलता के बारे में सोच रहा हूँ, नॉन प्रीचीनेस के बारे में सोच रहा हूँ, खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स दोस्तों मेडिटेशन के बारे में सोच रहा हूँ. ओके दोस्तों, सातवां पॉइंट बहुत सिंपल है. अगर आपको मेरे ट्वीट ड्राफ्ट देखने को मिले, मेरे वीडियो आइडियाज देखने को मिले, अगर मैंने कभी आपके सामने जोक्स क्रैक किए, अगर आपको यह पता चला कि मैं इंस्टाग्राम पर कैसे पेजेस को फॉलो करता हूं और किस तरह के मीम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, तो आई वुडंट हैव अ करियर एनी मोर. आई फील कि जितनी ज्यादा सफलता आप मीडिया इंडस्ट्री में देखोगे ना, जितना ज्यादा आपका फेम बढ़ता है, उतने ही ज्यादा लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं. और अगर लोगों को पता चला कि ये
ऐसे मीम्स कंज्यूम करता है, आई विल नॉट हैव अ करियर। आठवां पॉइंट, मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ है ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द नाइंथ पॉइंट। नाइंथ पॉइंट, फॉर सम रीजन पीपल थिंक कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। दैट्स नॉट ट्रू। मैंने अपने पर्सनल फाइनेंसिस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसों का पोटेंशियल है, यानी कि मेरा पैसा 4 साल बाद 5 साल बाद बनने वाला है। ऑलमोस्ट हर कंटेंट क्रिएटर अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी खुद की मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। आई फील कि आप क्रिएटर हो यार, आप आर्टिस्ट हो, आपको क्रिएशन और आर्टिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरे लाइफ में मेरे भाई, मेरे राइट साइड के भाई और लेफ्ट साइड के भाई है मयंक और नचिकेत, और ये दोनों बिजनेस भी संभालते हैं, पैसों को भी संभालते हैं। आई लिटरली डोंट इवन नो हाउ मच आई गेट पेड फॉर अ ब्रांड डील, बिकॉज आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट इन माय अदर टीममेट विराज, जो मेरे लिए डील्स ब्रोकर करते हैं। आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ मनी, आई कीप अ ट्रैक ऑफ गिविंग माय परफॉर्मेंस ईच डे। पर इस पूरे प्रोसेस से मैंने ये सीखा है कि दिस इज द वे टू मेक मनी। यू वर्क थ्रू टीम्स, यू वर्क टूवर्ड्स लार्जर गोल्स, एंड डोंट बी कंप्लीटली कंट्रोलिंग। लीडरशिप का नंबर वन रूल इज गिव अवे कंट्रोल। वेरी कंफ्यूज अबाउट वेयर यूट्यूब इज गोइंग फॉर ओल्ड स्कूल क्रिएटर्स, फॉर ऑल द न्यू क्रिएटर्स, आई हैव नो आइडिया, कांट प्रिडिक्ट। मुझे ये डेफिनेटली पता है कि कॉन्टेंट इज गोइंग टू बिकम मोर डार्क एंड ट्विस्टेड, इसलिए हमने बहुत सारी सीरीजेस प्लान की है दोनों चैनल्स पर। प्लीज सपोर्ट करते रहिए, हमें बताइए कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। YouTube छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज आई जस्ट रियली एन्जॉय कॉन्टेंट। पर उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यार, आप 10 मिनट के वीडियो देखोगे क्या? ऑनेस्टली ये बताओ कॉमेंट सेक्शन में हमें। सॉरी, व्लॉग्स मेरे से नहीं होते अब। आई एम जस्ट नॉट बिल्ट फॉर व्लॉग्स, आई एम नॉट बिल्ट टू शेयर दैट मच अबाउट माई पर्सनल लाइफ, इट्स जस्ट नॉट हु आई एम। जिन लोगों ने हमें व्लॉग्स की जर्नी में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आई एम सॉरी कि आपको सिर्फ 83 या 84 व्लॉग्स मिले। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग जिस थंबनेल में लड़की थी उस थंबनेल पर आप क्लिक करते थे और बाकी स्काई डाइव वाले वीडियो नहीं देखे। ये जो मस्त ट्रैवल व्लॉग्स बनाए, सही वाले स्पिरिचुअल व्लॉग्स बनाए, उन पर क्लिक नहीं किया। ठीक है, कोई नहीं, आई एम अ मैन ऑफ द पीपल। जो आप बोलोगे, जिन चीज़ों पर आप क्लिक करोगे, वैसे ही वीडियोज बनाएंगे। और इसलिए अब से हम ये वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फैशन भैया रिटर्न्स, जहाँ फैशन, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और करियर को लेके इस तरह के वीडियोस अब आते रहेंगे। आपके भाई ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, एंड वी विल सी यू लेटर।